अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। दिस इज़ योर ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रेड 3। नाउ स्टूडेंट, ओपन योर इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 22। दिस इज़ आवर लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट चेक पॉइंट अर्थ डे। ठीक है बेटा, ये हमारे फर्स्ट चेक पॉइंट का लास्ट चैप्टर है, अर्थ डे। ओके स्टूडेंट्स, यू नो वी लिव ऑन अ प्लैनेट एंड इट्स नेम इज़ अर्थ। हम एक प्लैनेट पर रहते हैं जिसका नाम क्या है, अर्थ। डू यू नो व्हाट इट्स शेप, शेप क्या है हमारे प्लैनेट का? आवर प्लैनेट इज़ जस्ट लाइक अ ओवल शेप प्लैनेट। आपने सोलर सिस्टम पढ़ा होगा SST में, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, राइट? और उसमें हमारा जो प्लैनेट है उसका नाम क्या है, अर्थ, एंड इट्स ऑफ ओवल शेप, राइट बेटा? अच्छा, आवर प्लैनेट अर्थ इज़ अ वेरी यूनिक प्लैनेट। डू यू नो व्हाई? आपको पता है सिर्फ जितने भी प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, उसमें सिर्फ लाइफ जो एग्जिस्ट करती है वो प्लैनेट जो है वो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पे वाटर मौजूद है, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, इस वजह से लाइफ सिर्फ और सिर्फ जो है वो अर्थ के प्लैनेट पे एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा भी और बहुत सारी वजूहत है, बट द बेसिक रीज़न क्या है, वो वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस है अर्थ पर। अच्छा भाई, डू यू नो एवरी ईयर वी सेलिब्रेट अर्थ डे ऑन 22nd अप्रैल। हम हर साल 22nd अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। अब क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वाई वी सेलिब्रेट दिस डे? बिकॉज दिस डे वी रिमाइंड आवर सेल्व्स, हम खुद अपने आप को इस बात की जो है वो याद दहानी कराते हैं, खुद एक रिमाइंड अपने आप को करवाते हैं कि वाई शुड वी लव अवर अर्थ, हाउ कैन वी सेव अवर अर्थ, एंड हाउ ट्रीज हेल्प अस। हमें अपनी ज़मीन से क्यों मोहब्बत करनी चाहिए, अपने प्लैनेट से उसकी हिफाजत करनी चाहिए, और ट्रीज़ स्पेशल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रीज़ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? डू यू नो स्टूडेंट, 10,000 years ago, 10,000 साल पहले 50% ऑफ अवर लैंड वॉज कवर्ड बाय ट्रीज, बट नाउ ओनली 30% इज कवर्ड। 10,000 साल पहले जो है वो हमारी लैंड, हमारी ज़मीन का 50% यानी कि आधी ज़मीन जो है वो किससे कवर्ड थी, ट्रीज से, बट नाउ ओनली 30% ऑफ लैंड इज कवर्ड बाय ट्रीज। बहुत सारे इलाकों से आप देखते हैं ट्रीज़ को काट दिया, दरख्तों को काट दिया जाता है मुख्तलिफ़ कामों के लिए, और उसकी वजह से उसके क्या बैड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं हमारे अर्थ पे, रेनफॉल बहुत कम हो गया, बारिशें कम हो रही हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लैंडस्लाइडिंग, ये सारी वजूहत क्या हैं, किसकी वजह से? बिकॉज़ के हमने ट्रीज़ जो है वो कट डाउन कर दिए हैं। सिर्फ 30% एरिया जो है हमारी पूरी अर्थ का अब जो है वो ट्रीज़ से कवर है, जो कि बहुत ही कम है। तो हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल इन्हीं बातों को रिमाइंड करने के लिए कि व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए अपने अर्थ को सेव करने के लिए, हमें जो है वो क्यों जो है वो ट्रीज़ लगाने चाहिए, क्यों इम्पॉर्टेंट है, और हम किन किन तरीक़ों से जो है वो अपनी ज़मीन को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सम मैथड्स, वी विल लर्न सम पॉइंट्स by which we can save our earth, right? And also you should take a pledge to plant a tree on every earth day, or right beta, aapko jab bhi earth day ho aapko ek chhota sa pauda apni gali mein apne ghar mein lagana chahiye, ek kehna chahiye ek pledge ke taur pe, ek ahd ke taur pe ki aap earth day celebrate kar rahe hain, to aapne usse kya sabak hasil kiya, aap kis liye celebrate kar rahe hain. Now let's start our chapter. First of all we will
study different points in this chapter about Earth Day and what should we do to save our Earth. Our first point, save water. We should save water, right? Turn off the tap while you brush teeth or wash your face. आप जब भी अपने teeth brush कर रहे हो, face wash कर रहे हो, तो होता क्या है कि हम tap जो है वो on छोड़ देते हैं, हम उसको off नहीं करते, जिसकी वजह से water बहुत waste होता है. We should save water to save our earth. Right, beta? We should save water to save our earth, to save our planet. This is the first most important point. Now, the second point, we should conserve electricity. We should conserve electricity. When we leave a room or a classroom or any room in your home, we should switch off all lights and fan. राइट जब भी आप अपने रूम से बाहर निकल रहे हो, चाहे आप घर में हो, क्लास में हो, अपने स्कूल में, घर में, कहीं भी हो, जब आप किसी रूम से बाहर निकल रहे हो और उस रूम में कोई नहीं मौजूद, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? यू शुड स्विच ऑफ ऑल लाइट्स एंड फैन. राइट नाउ द थर्ड पॉइंट, डू नॉट लिटर. वी शुड थ्रो वेस्ट इन अ डस्टबिन. सॉरी बेटा, वी शुड थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन. हमें कचरा हमेशा कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में, चाहे अपने घर में हो, स्कूल में हो, कहीं घूमने गए हो, किसी पार्क में, सी साइड पे, वेयर एवर यू आर, यू शुड थ्रो दैट ऑल योर लेटर इन अ डस्टबिन. हमें इस तरह से कचरा रोड पे या गली में कहीं भी इस तरह नहीं फेंकना चाहिए. राइट बेटा, आप देखते हैं कि जिस तरह आप किसी भी पार्क में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं भी, कितना ज़्यादा जो है वो गार्बेज आपको हर जगह नज़र आ रहा है अपने सिटी में. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन एक नहीं रखा है कि हमें कचरा कहाँ फेंकना है. आपको रोड पर हर जगह गंदगी नज़र आ रही है, उसकी वजह से कितनी ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं, ये सब आपके सामने है. राइट बेटा, सो हमें स्टार्ट हमेशा अपने आप से लेना चाहिए, खुद अपने घर से. जब हम ये अच्छे काम शुरू करेंगे, तो फिर हम दूसरों को भी कह सकेंगे. राइट, एज अ स्टूडेंट, एज अ गुड सिटीजन, इट्स अवर ड्यूटी टू फॉलो ऑल दीज पॉइंट्स. राइट बेटम, नाउ सेकंड, नॉट द सेकंड, इट्स अ फोर्थ पॉइंट, वी शुड नॉट यूज plastic bag. We should not use plastic bag. We should use paper bag or cloth bag. हम जब भी कहीं shopping करने जाते हैं, कुछ grocery, especially grocery वगैरह हम ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो we should use paper bag or cloth bag. हमें plastic जो bag जो है वो नहीं use करने चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा pollution बढ़ता है. राइट, हम प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको उसी तरह से फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है हमारी सिटी में. कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, कितनी बीमारियाँ हो रही हैं उसकी वजह से, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं. राइट, वी शुड यूज़ साइलेंट जनरेटर्स. जनरेटर्स होते हैं हमारे घर में, राइट, बहुत ज़्यादा शोर होता है, उससे नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है, वो भी हमारी अर्थ के लिए नुकसानदेह. वी शुड यूज़ साइलेंट जनरेटर. राइट बेटा, नाउ द अनदर पॉइंट इज, वी शुड यूज कारपोल्स. कारपोल्स क्या होता है? और पब्लिक ट्रांसपोर्ट. कारपोल्स बेसिकली, कारपोल्स क्या है बेटा? व्हेन टू फैमिलीज और मोर देन टू और थ्री पर्सन यूज अ सेम कार. दो या तीन लोग जो है वो एक ही कार को यूज़ करते हैं, किसी एक जगह जाना है, राइट, एक ही डिस्टेंस है उनका, या रास्ते में जो है वो उनके एक ही रास्ता पड़ रहा है, एक ही जगह उनको जाना है, राइट, उन्होंने एक ही कार यूज़ की, बजाय इसके कि हर कोई अपनी अलग अलग कार यूज़ करे. टू शेयर अ सिंगल व्हीकल इंस्टेड यूजिंग ईच वन. राइट बेटा, मतलब एक ही कार, एक ही व्हीकल को यूज़ करें दो से तीन लोग, ज़्यादा लोग, इससे ताकि
बहुत सारी कार्स अगर सब अपनी इंडिविजुअल कार्स यूज़ करेंगे तो वो उतनी ही पॉल्यूशन क्रिएट होगी, उतनी ज़्यादा फ्यूल, उतना ज़्यादा फ्यूल हमें चाहिए होगा, और जब वो सिंगल कार यूज़ करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो उससे पॉल्यूशन भी कम होगी और फ्यूल की नीड भी कम होगी. दिस इज नोन एज कार पोल्स, राइट बेटा? अच्छा, सर्व ओनली एज मच फूड एज यू कैन ईट. इफ यू हैव एक्सेस फूड देन यू शुड गिव इट टू द पुअर पीपल. उतना ही खाना जो है वो आपके घर में बनना चाहिए, उतना ही खाना अपनी प्लेट में लीजिए, इस्तेमाल कीजिए, घरों में बनाइए जितना कि आपको इस्तेमाल करना है. और अगर आपके पास एक्सेस है तो उसको फेंकने के बजाय, उसको डस्टबिन में डालने के बजाय आप किसी नीडी पीपल को, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सकें. ये तो वैसे भी बहुत जो है वो सख्त गुनाह है. आप अगर रेस्ट जो है वो डस्टबिन में फेंकते हैं या ऐसे ही फेंक देते हैं, इसके बजाय आप थोड़ा सा अपनी प्लेट में लीजिए, थोड़ा बनाइए, और उसके बावजूद अगर कुछ बच जाता है तो वो आप किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके. सेव पेपर, पेपर सेव कीजिए. पेपर हम फेंक देते हैं, फाड़ते हैं, बच्चे कॉपीज़ में से पेपर फेंक देते हैं, वैसे ही आप देखें कितना गार्बेज जो है वो उसमें आपको पेपर ही नज़र आ रहा होता है. मोस्टली पेपर नहीं फेंकने चाहिए, उसको यूज़ कीजिए किसी ना किसी सेंस में. रिसाइकल होता है पेपर, उसकी कुछ चीज़ें बनती हैं, वो चीज़ें आप बनाएं. आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ होता है पेपर. पेपर इस तरह से वेस्ट नहीं कीजिए, राइट? देन सेव रेन वाटर. जब बारिश होती है तो उसका पानी हमें सेव कर लेना चाहिए. बारिश का पानी बिल्कुल साफ़ होता है, आप उसको सेव कीजिए और उसको डिफरेंट पर्पस में हम यूज़ कर सकते हैं, राइट बेटा? ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थीं जिन पे अमल करके, जिन को अप्लाई करके अपनी लाइफ में वी कैन सेव अवर अर्थ. हम अपनी ज़मीन को महफूज कर सकते हैं, हम अपनी ज़मीन को एक बहुत अच्छा जो है वो लिविंग प्लेस बना सकते हैं, राइट बेटा? अर्थ डे हम मनाते हैं कब? कब हम सेलिब्रेट करते हैं? ऑन 22nd अप्रैल ऑफ एवरी ईयर. और उसको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू रिमाइंड अवर सेल्फ, खुद को ये रिमाइंड करवाने के लिए कि हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ अवर अर्थ, हाउ ट्रीज हेल्प अस, एंड हाउ शुड वी सेव अवर अर्थ, व्हाट शुड वी डू टू सेव अवर अर्थ, राइट बेटा? उसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी शुड सेव वाटर, वी शुड कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट लिटर, कचरा नहीं फेंकना चाहिए हमें, यूज़ कार पोल्स यूज़ करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वी शुड यूज़ पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ शॉपिंग बैग, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, राइट? वी शुड सर्व फूड ओनली एज मच फूड एज यू कैन ईट. If you have excess food, then you should give it to the poor people. We should save paper, right? And we should also conserve rain water and use it. Right, beta? Now, thank you. I hope ki lesson aapko samajh mein aaya hoga. Read it properly from your book. Apni book mein isko padhiyega, reading kijiyega. Right, beta? Thank you. Aapko iska copy work mil jayega. I hope आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. इसकी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू बेटा. अल्लाह हाफ़िज़.